दोस्तों, अगर आप भी अपने पेटीएम वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो भी बिना केवाईसी, जैसा कि मेरे केस के अंदर मेरे पेटीएम वॉलेट के अंदर 100 रुपए पड़े हैं और मुझे इसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। जब मैं ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास पेटीएम वॉलेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जिसमें मुझे केवाईसी करने के लिए सबसे पहले कहा जाता है। और जब मैं केवाईसी करने जाता हूँ तो यहाँ पर केवाईसी से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि पेटीएम केवाईसी अभी हो नहीं रही है, और हो भी रही है तो पुराने अकाउंट की हो रही है। तो मेरा जो पेटीएम के अंदर वॉलेट बैलेंस पड़ा है उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में दिक्कत हो रही होगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस के साथ अपने बैलेंस को ट्रांसफर करके दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से आप बिना केवाईसी के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो इस वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो आपके लिए बता दूं कि पेटीएम वॉलेट का बैलेंस किसी भी ट्रांसैक्शन के लिए यूज हो सकता है। बस आपका पैसा बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा, आप इससे रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं या गोल्ड वगैरह खरीद सकते हैं डिजिटली, तो ये वॉलेट बैलेंस वहां पे भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर आपको बैंक में ट्रांसफर करने हैं या आपको इस बैलेंस को निकालना है तो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा किसी केवाईसी एजेंट के पास। जी हाँ, पेटीएम के जो केवाईसी एजेंट होते हैं, जो पेटीएम की केवाईसी करते हैं या पेटीएम के अंदर जो पैसे वगैरह डालते हैं, वो आपका पेटीएम वॉलेट बैलेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उनके पास ये वाला ऑप्शन होता है कैश विड्रॉल का। जी हाँ, उनके पास कैश डिपॉजिट का भी होता है, जिससे वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में या वॉलेट में या अदर अकाउंट में। लेकिन उसी के साथ साथ उनके पास ये वाला ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं हम कैश विड्रॉल। जी हाँ, कैश विड्रॉल वाला ऑप्शन है, जिसके माध्यम से एजेंट आपके बारकोड वगैरह इसको डाल के या मैन्युअली डिटेल वगैरह डाल के यहाँ पर वाले ऑप्शन आ जाते हैं कि उसके अकाउंट में बैलेंस दिखाया जाता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता है कस्टमर का, जिसके वॉलेट में बैलेंस पड़ा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अमाउंट डलती है। अमाउंट डालने में ध्यान रखिएगा कि 10 से सिर्फ 10,000 रुपए तक ही निकलते हैं, ना तो 10 से नीचे की अमाउंट निकलती है, ना ही 10,000 से ऊपर की अमाउंट निकलती है। नीचे अगर आप रीजन देना चाहे क्यों निकाल रहे हैं तो रीजन भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं, एक ओटीपी जनरेट होता है जो आपके वॉलेट वाले यानी कि पेटीएम के उस वाले नंबर पर आता है जिससे आपको पैसे निकालने हैं। मैं आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह डाल के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर डल गई हैं डिटेल वगैरह, यानी कि अब मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट होगा उस वॉलेट के बैलेंस यानी कि उस कस्टमर के नंबर पे, यानी कि आपके नंबर पे जिसका आपको वॉलेट बैलेंस निकालना है। वो ओटीपी जैसे ही एजेंट यहाँ पर डाल देगा, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, आपके वॉलेट से बैलेंस कैश विड्रॉल हो जाएगा। मुझे अपना वॉलेट बैलेंस नहीं निकालना है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए प्रोसेस दिखा रहा था। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको उस वॉलेट बैलेंस को दूसरी तरीके से इस्तेमाल करना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप मोबाइल रिचार्ज उस बैलेंस से कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे रिचार्ज खरीद सकते हैं। बस वो ट्रांसफर नहीं होता है। अगर ट्रांसफर करना है तो आपको अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट करना होगा जो आपके एरिया में केवाईसी करते हैं, या जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप इन सभी में से ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा, आपका वॉलेट बैलेंस आसानी से निकल जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।